जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास से जुदापुर। बच्चों, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कोई वैकेंसी है तो बताइए किस तरीके से अपन तैयारी करें कि 5 से 6 महीने में अपनी जॉब लग जाए। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, वैकेंसी का क्या होगा, वैकेंसी कब होगी, कैसे तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें। मेटेरियल पूरा बना हुआ है लेकिन स्टार्टिंग कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। लाइव कराओगे या नहीं कराओगे, तो इन सभी जो डाउट है इनको आज मैं क्लियर कर रहा हूं। इनको समझना है अच्छी तरीके से। आपको एक एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि ठीक है कौन सी वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। वैकेंसी बहुत है लेकिन आपको नॉलेज का अभाव है इसलिए अपन वो फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं। क्लियर? तो चलिए आज अपन चर्चा कर लेते हैं और क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। क्लास आज नहीं तो कल से स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन समझना सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर टीचर ऑलरेडी एक बार बना हुआ है कंप्लीट, तो कंप्लीट कंप्यूटर टीचर समझना। स्टोर का काम चल भी रहा है, आपके कंप्यूटर टीचर का कोर्स एक बार पूरा बना हुआ है, कंप्यूटर टीचर का कोर्स एक बार पूरा बना हुआ है। क्लियर? कंप्यूटर टीचर का एक बार कंप्लीट कोर्स बना हुआ है आपका, मतलब कंप्लीट का मतलब ऐसा कोर्स है कि उसके बाद कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों नेटवर्किंग इस बार अपडेट हो गई है, नेटवर्किंग को अपडेट कर दिया गया है। जो प्रोग्रामर में कराई थी वही डाले जा रही है क्योंकि नेटवर्किंग प्रोग्रामर से कम नहीं आएगी। इसके अलावा बच्चों सेट भी आपका जो करवा दिया गया है वो डाला जा रहा है, और जावा जो DBMS है वो भी लाइव वाला डाला जा रहा है। जावा आपको ज्यादा नहीं करनी है क्योंकि अपने कंप्यूटर टीचर के अंदर जावा ज्यादा नहीं आती, लेकिन नेटवर्किंग, सेट और DBMS ये 3 पोर्शन काफी अच्छे लेवल पे आते हैं। लगभग लगभग 10 क्वेश्चन इसके आए थे, 10 क्वेश्चन इसके आए थे और 10 क्वेश्चन इसके आए थे, किसके अंदर, कंप्यूटर टीचर के अंदर। बाकी OS और ये सब कुछ आपका बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंप्यूटर टीचर की तैयारी कैसे करें। पहले तो अपन को दिमाग में ये लाना है कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है। हाँ जी, एक बार तो कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से पढ़ना है और कैसे अपन को 6 महीने के अंदर जॉब लेके जाना है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आ रही है। तो सबसे पहले तो DSSB, बच्चों इसके अंदर TGT और PGT की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, वैकेंसियां कम ही आती है तो लगभग लगभग ये मान के चलिए 250 के आसपास वैकेंसी होगी, और PGT की यहाँ पर लगभग 50 के आसपास वैकेंसी होगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा EMRS के अंदर वैकेंसी आने वाली है जो पिछली बार खाली रह गई थी। तो ये भी कंप्यूटर टीचर कौन सी, PGT की वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है, 600 प्लस नई और जोड़ के 200 और जोड़ दीजिए, लगभग 800 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। 600 जो खाली रह गई थी, ये लगभग लगभग डेटा है, पूरा एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन आप मान के चलिए 600 आपकी खाली रह गई थी और 200 नई जोड़ के 800 वैकेंसी आपकी आने वाली है। ये भी बच्चों PGT टीचर है, मास्टर डिग्री वाले इसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, भी आपकी वैकेंसी आने वाली है, और किस किस की आने वाली है, प्रोग्रामर की आने वाली है, प्रोग्रामर के अलावा IA की भी आने वाली है, प्रोग्रामर और IA के भी आने वाली है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी प्रोग्रामर और IA की वैकेंसी आने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि IT की वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, कमी केवल एक चीज की है कि अपन को नॉलेज नहीं होता और अपन फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन कमेंट ऊपर करना, कमेंट कम आ रहा है। सर मैंने BTech के EEE से कर रखा है, कौन कौन सी वैकेंसी अप्लाई कर सकता हूँ। IT की अधिकतर वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, IT की अधिकतर वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट में आपके कमेंट भी देखेंगे। इसके अलावा बच्चों मान के चलिए लगभग 20 से 25 तरीके की नई वैकेंसी आपके 6 महीने के अंदर आपके पास होगी। कौन से डिपार्टमेंट से, IT डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हरियाणा, हरियाणा के अंदर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। UP के अंदर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा बच्चों दिल्ली के अंदर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। KVS NVS के अंदर वैकेंसी आने वाली है, KVS NVS के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। तो IT फील्ड के अंदर वैकेंसी की कोई कमी नहीं। एक पॉइंट तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी अभी ये किसी को पता नहीं है, जिस समय आएगी उसी समय पता चलेगा। ठीक
सर कब तक आएगी? तो मान के चलिए इस महीने में वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगी, और जितने भी वैकेंसी उन सब की तैयारी एक ही होती है, आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर बैच कब से स्टार्ट होगा? तो बैच आज से स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान का भी मैं बता देता हूं, सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में बीटेक किया है, क्या मैं अलाउ हूं? क्या बिल्कुल अलाउ हो, जितने भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है उन सब के अंदर आप अलाउ हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, कुछ में अलाउ हो कुछ में अलाउ नहीं हो, बाकी राजस्थान के अंदर आप अलाउ है। क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो प्रोग्रामर और आईए तो सर हो गया, लेकिन बच्चों अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर और आईए की जरूरत होती है। प्रोग्रामर और आईए की जरूरत जेडीए के अंदर भी पड़ेगी, तो वहां पर भी आने वाली है। नगर पालिका नगर परिषद में पड़ेगी, तो वहां पर भी ये वैकेंसी आने वाली है। तो कॉमन सी बात है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें आईए और प्रोग्रामर नहीं है। आजकल एलडीसी की वैकेंसी को कम किया जा रहा है, और आईए प्रोग्रामर की वैकेंसी बहुत मात्रा में आने वाली है। आईटी का फील्ड है, इसलिए आप तैयार करके बैठिए, और याद रखिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। वैकेंसी इतनी आने वाली है, 2030 तक आईटी डिपार्टमेंट फुल वैकेंसी से भरा हुआ होगा। बस केवल आपको तैयारी अच्छी करनी है। वैकेंसी की जो मात्रा होगी वो कम होगी, ऐसे नहीं है कि 10,000 वैकेंसी आएगी। अच्छा, 10,000, 6,000, 5,000 वैकेंसी केवल एक जगह आएगी, और वो है राजस्थान कंप्यूटर टीचर के अंदर। वहां पर लगभग 6,400 वैकेंसी आने की उम्मीद है। 4,000 वैकेंसी वो है जो पहले से खाली रह गई, और 2,400 वैकेंसी नए जो पोस्ट है वो क्रिएट करके और उनको जोड़कर लगभग 6,400 वैकेंसी आने की उम्मीद है। लेकिन कितनी आती है ये कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। जब तक वैकेंसी सामने नहीं आएगी तब तक अपन पद नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे तो बच्चों सेकंड ग्रेड के 22,000 पद थे, लेकिन दिए तो 2,000 ही है। तो कॉमन सी बात है, गवर्नमेंट के ऊपर टिका है कि उनको कितने भरने हैं कितने नहीं भरने। लेकिन बड़ी वैकेंसी में बच्चों आपके राजस्थान कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, लेकिन उसको टाइम लगेगा भी। लेकिन इसके अलावा जितनी वैकेंसीज है वो सब आने वाली है, और लगभग हर 15 दिन में एक वैकेंसी आपको मिलेगी। क्लियर, ओनली कंप्यूटर टीचर बिग वैकेंसी, बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ चलने देना, जिससे रिविजन अच्छा चले हमारा। हाँ, साथ साथ ही चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ साथ चलेगा। आज से ही ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुए हैं कंप्यूटर टीचर के, आज से ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ाया जा रहा है वही ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा श्रीगंगानगर बैठा है, कोई जैसलमेर बाड़मेर बैठा है, सेम कंटेंट पढ़ाया जाता है। सब सबकी नौकरियां लगती है इस कोचिंग से, एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी नौकरी नहीं लगी। आप जितने भी बच्चे हैं वो कोई भी ऐड से यहाँ पर नहीं आता। बच्चों यहाँ पर बच्चों ने बच्चे भेजे हैं जिनकी नौकरियां लगी है, ध्यान रखिएगा, जिनकी नौकरियां लगी है उन्होंने ही आपको भेजा है कि एक बार अरविंद सर से पढ़ना, नौकरी लगने की प्रबल संभावना हो जाएगी। क्लियर है सर। टैक्स असिस्टेंट वाली वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए कब तक आएगी है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी एग्जाम डेट पहले से ही आ गई है, जून 2026 के अंदर उसका एग्जाम है। ठीक है, तो उसकी भी टेंशन नहीं करना आपको, उसके लिए भी बैच चलेंगे आपको। मैथ और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, जो पहले ही ऑलरेडी आपके डाल रखी है, क्योंकि आपके लिए भी मैथ रीजनिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में आपके लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। इसलिए मैंने पूरी मैथ रीजनिंग आपको डाल रखी है, जीके आपको डाल रखी है, साइंस आपको डाल रखी है, और कंप्यूटर आपने कर रखा है, इसलिए उसको अलग से कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स असिस्टेंट वहीं से कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चों, उसके बारे में बताओ थोड़ा। कल मैंने बता दिया था अनमोल जी, टैक्स असिस्टेंट के बारे में कल मैंने बता दिया था, एक बार आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। आपको नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जितनी मैथ आती है, जितनी रीजनिंग आती है, जित मैथ रीजनिंग 100 क्वेश्चन आते हैं, जीके के कितने क्वेश्चन 32, कंप्यूटर के 3 से 4, साइंस के कितने 15 क्वेश्चन, हिंदी के कितने क्वेश्चन 25, इंग्लिश के कितने 25, ये सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी आपको डाल रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर वाकई क्या 15 दिन में कोई ना कोई वैकेंसी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्या आप हमको बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, हर एक वैकेंसी को आपको बताया जाएगा। अब बात यह है कि वैकेंसी तो आएगी और आके चले भी जाएगी, लेकिन आपकी नौकरी कब लगेगी? आपकी नौकरी जब लगेगी जब तुम आज से स्टार्ट करोगे। तुम्हारे नजदीक जितने भी लाइब्रेरी हो भर दो आप। बच्चों लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वापस क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, प्रोग्रामर के बाद 10 दिन का मैंने रेस्ट लिया था, और रेस्ट लेने के बाद वापस आपका कंप्यूटर टीचर का बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर टीचर के साथ साथ बच्चों जितने भी टॉपिक जितने भी एग्जाम है वो सब इसी में कवर हो जाएंगे, आपको दूसरे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, एसीपी का कोर्स थोड़ा सा अलग है,
वो बिल्कुल ही अलग है ना पैटर्न सेट के, बाकी अधिकतर में कंप्यूटर टीचर में ही सब कुछ कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बैच का टाइमिंग क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है सर दोपहर में टाइम रखिए क्योंकि शाम को तुमको खाना और ये बनाना पड़ता है। ठीक है, तो टाइमिंग जो अपन है वो दोपहर का रख रहे हैं, 12 से 1 आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले। अब कंप्यूटर में क्या आपको पढ़ना है, कंप्यूटर सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके थोड़े दिनों बाद मैं तो रीजनिंग स्टार्ट होगी, लेकिन 12 से 1 कंप्यूटर में स्टार्ट कर रहा हूँ। और कंप्यूटर में क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल। अच्छा ध्यान रखिएगा, मेरी कोशिश रहेगी जितने क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे कंप्यूटर फंडामेंटल के उन सेट के मैं क्वेश्चन कराऊं। तो होमवर्क आप हमेशा ध्यान रखिएगा, होमवर्क क्या है आपका, कंप्यूटर फंडामेंटल पहले मैंने कवर करा रखा है, क्लियर, उसको देख के जरूर आइएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के कितने वीडियो है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के आपके लगभग 30 वीडियो है, 30 वीडियो है। अब ये 30 के 30 वीडियो आपको देखना है, ये कहाँ मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर, रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर ये आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर दो है, एक तो क्या है, एक तो कोर्स है और एक क्या है, रिविजन है। तो रिविजन को आपको नहीं देखना, रिविजन बाद में देख लेना, अभी आप केवल कोर्स देख लीजिए। और कोर्स के साथ साथ लाइव लाइव जो बैच है, लाइव बैच बन जाएगा, आज आपके अकाउंट का काम चल रहा है तो आपके अकाउंट में आज लाइव बैच आ जाएगा, तो लाइव बैच को जरूर देखिएगा। अब लाइव बैच के अंदर सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, लाइव बैच के अंदर सबसे पहले अपन फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल के आते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जमाना जा चुका है, आजकल बच्चों इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो उनको सबको अपन को देखना है, क्लियर। तो याद रखिए जो रिकॉर्डेड है वो दो बार कवर करा रखा है, एक बार रिकॉर्डेड और एक रिविजन के नाम से, दोनों डाल रखे हैं मैंने, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, ये 30 वीडियो है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कंप्यूटर फंडामेंटल सबसे पहले करें, बिल्कुल करिए, कोई भी एग्जाम दीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल के 15 क्वेश्चन आते ही है, तो फंडामेंटल जरूर आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर फंडामेंटल करना है, फंडामेंटल करना है। ठीक है, अब कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद गुरु जी हमको क्या करना है, तो दूसरे नंबर पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफी अच्छा पेपर बनता है, क्लियर। तीसरे नंबर पे क्या करना है, तो तीसरे नंबर पे आपको सी लैंग्वेज करनी है, क्योंकि सी लैंग्वेज के लगभग 10 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, क्लियर। अगर मान लो कोई ये कहे सर मैं ओएस अभी नहीं करना चाहता क्योंकि ओएस का वेटेज तो इतना ही नहीं, तो आपको दूसरे नंबर पे सी लैंग्वेज को करना है, दूसरे नंबर पे सी अच्छी तरीके से करनी है। सी के कितने क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में 10 क्वेश्चन सी के आते हैं। फंडामेंटल के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हर पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन फंडामेंटल के आते हैं। तीसरा टॉपिक आपको क्या उठाना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए दो चीज है, मैथ रीजनिंग और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन फंडामेंटल एक पूरी की पूरी बुक है बच्चों, सी लैंग्वेज एक पूरी पूरी की बुक है, क्लियर। लेकिन मैथ रीजनिंग में 65 क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी नहीं छोड़ना। जीके थोड़े दिनों में जीके भी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े मतलब 4-5 दिन के अंदर आपकी जीके भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हर बार लाइव कराती है कोचिंग, कोई भी कोर्स हो चाहे कितनी बार भी हो चुका हो, लेकिन हर बार आपको लाइव करवाया जाता है। कंप्यूटर टीचर के लिए लिया हुआ है कोर्स, तो टैक्स असिस्टेंट का हो, देखिए कोर्स वही है, सेम है, आपको खरीदना है तो खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स कंटेंट वही है, सेम है, सारा का सारा सिलेबस उसके अंदर मैच कर रहा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। जितना भी कंप्यूटर टीचर देना आईए देना है, तो आईए की तैयारी कंप्यूटर टीचर के अंदर हो ही जाएगी। प्रोग्रामर थोड़ा सा अलग है तो उसके लिए खरीदना पड़ेगा, एसीपी अलग है उसके लिए खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो चीज कॉमन है, देखिए टैक्स असिस्टेंट के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नाम मात्र का आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंप्यूटर आता है, बाकी मेनली क्या आता है, मैथ तो रीजनिंग आती है, क्लियर। तो मैथ रीजनिंग आपको पूरी डाल रखी है, जितनी भी सृष्टि में बनती है पूरी की पूरी डाल रखी है। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप व्हाट्सएप पे कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर ये पॉइंट इसमें कवर नहीं हो रहा, आपको डलवा दिया जाएगा, क्लियर। लाइव ऑल सब्जेक्ट, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट लाइव चलते हैं इस कोचिंग में, ऐसा नहीं है कि चलिए दो बच्चे जुड़े हैं तो लाइव क्या करा है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, रिकॉर्डेड तो देखना ही है आपको, प्लस लाइव भी करवाया जाएगा ताकि माइंड एक्टिव रहे। लाइव में आपको वर्क दिया जाएगा कि ये पढ़ के आइएगा, तो जैसे मैं आज आपको वर्क दे रहा हूँ कि कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ के आइएगा, फिर दूसरे नंबर पे आपको सी लैंग्वेज देखना है, तीसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या देखना है, तो तीसरे नंबर पे आपको डीबीएमएस देखना है। डीबीएमएस इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए। चौथे नंबर पे आपको क्या देखना है,
तो चौथे नंबर पे आपको नेटवर्किंग देखनी है। नेटवर्किंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो नेटवर्किंग के भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। फिर पांचवे नंबर पे आपको क्या देखना है, तो पांचवे नंबर पे आपको सैड देखना है। सैड सैड के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। फिर छठे नंबर पे आपको क्या देखना है, तो डेटा स्ट्रक्चर देखना है। डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर इसके कितने क्वेश्चन आते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर के 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा आ सकते हैं, इससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तक 60-65 क्वेश्चन हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब बच्चों 65 क्वेश्चन के बाद नेटवर्किंग में सिक्योरिटी आ चुका, डीबीएमएस हो गया, सेड हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सी लैंग्वेज हो गई, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, ये बड़े टॉपिक है। अब छोटे टॉपिक पे आ जाइए, छोटे टॉपिक के अंदर आपको क्या देखना है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला पोर्शन देखना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्किटेक्चर में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओएस के बाद आपको क्या देखना है, ओएस के बाद आपको पेडागोजी वाला सिस्टम देखना है, पेडागोजी, ठीक है, पेडागोजी, पेडागोजी, क्लियर। तो पेडागोजी के अंदर क्या आता है, तो पेडागोजी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लियर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएस हो गया, पेडागोजी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है, तो छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे उप्स के कंसेप्ट देखने हैं, तो उप्स के कंसेप्ट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपका जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो देखना है, तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में से क्या आता है, तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ठीक है, इस तरीके के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखना है, ठीक है बच्चों, तो ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जैसे लिटरल्स क्या होते हैं, कैसे नाम लिखे जाते हैं, वेरिएबल के नाम, तो इस तरीके से आपको ये पूरा पॉइंट देखना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि लगभग 85 क्वेश्चन तो आपके, 85 तो नहीं है, लगभग 80 क्वेश्चन तो आपके इसके आते हैं, और फिर गिने चुने एक एक दो दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल, पूरे की पूरी सी लैंग्वेज, पूरा का पूरा डीबीएमएस, पूरा नेटवर्किंग, पूरा सेट, पूरा डेटा स्ट्रक्चर, फिर ये छोटे छोटे टॉपिक अपन बाद में लेंगे, क्लियर। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम भरपूर मात्रा में आता है, जैसे सेट के अंदर, ठीक है, सेट के अंदर, नेट के अंदर, नेट के अंदर, डीएसएसबी के अंदर, डीएसएसएसबी के अंदर, एनवीएस केवीएस के अंदर, क्लियर, एनवीएस केवीएस के अंदर बहुत ज्यादा आता है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम, 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी मेन पार्ट मान के चलो, लेकिन आपके कंप्यूटर टीचर में इसके क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन है तो बड़ा पोर्शन बच्चों, तो आ सकता है, तो ओएस को भी ढंग से आपको तैयार करना है, क्लियर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमारे हमारे को कोई दिक्कत नहीं, पाइथन नहीं है कंप्यूटर टीचर में, सर डिजिटल, डिजिटल के 5 क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल, डिजिटल उसी में हो जाएगा, बेसिक के अंदर ही, कंप्यूटर फंडामेंटल में डिजिटल हो जाएगा, क्लियर। तो डिजिटल में देखिए, आपको अगर याद हो तो आपको पता है डी मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन आया था, डी मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन आपका बनता है, प्लेक्सर का क्वेश्चन आया था, इसके अलावा डिकोडर का क्वेश्चन आया था, डिकोडर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्जन के क्वेश्चन आए थे, बाइनरी टू कन्वर्जन के क्वेश्चन आए थे, कन्वर्जन के क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा कन्वर्जन के अलावा बुलियन एलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, बुलियन एलजेब्रा का क्वेश्चन आया था, तो कॉमन सी बात है, डिजिटल से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 5। तो बच्चों ये सब कवर कराया जाएगा, तो कंप्यूटर फंडामेंटल, सी, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सेट, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसी में हो जाता है फंडामेंटल के साथ ही, बाकी मैंने अलग से करवा रखा है। ओएस को भी आपको ढंग से करना है, पेडागोजी अभी छोड़ देना आप, फिर उप्स प्रोग्रामिंग से पहले अपन डिजिटल ले लेंगे, क्लियर। तो डिजिटल को आप 9 नंबर डाल लीजिए, 9 नंबर डिजिटल है, ठीक है बच्चों। फिर 9 नंबर के बाद अपन लेंगे क्या, उप्स, 9 नंबर के बाद 10 नंबर, 11 नंबर, इस तरीके से आपको पढ़ना। तो ये लगभग लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल का यूनिक सिलेबस है, उससे बाहर एक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बेसिक कंप्यूटर में आया था क्या, पूरा देखिए जितना भी है ये बेसिक और सीनियर का सेम सिलेबस है, कोई बड़ी मुश्किल से 1-2% का ही अंतर, 5% का लगा लो, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक और सीनियर नहीं है, वो सभी तरीके के एग्जाम दे दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तुम चलोगे तो कुछ भी नहीं आता वहां से।
आपको डीबीएमएस तो फिर पूरा आना चाहिए, नेटवर्किंग तो फिर पूरी आनी चाहिए, सेट तो फिर पूरा आना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर तो पूरा आना चाहिए, सिलेबस तो है ही, उसके अलावा उससे रिलेटेड आगे पीछे की सब चीज आनी चाहिए। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये सारी चीजें हमारे समझ में आ गई। ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेज लाइक जावा पाइथन सीएसएस। बिल्कुल, एक याद रखना प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में एचटीएमएल भी आ जाता है आपके। क्लियर? तो याद रखिए 2-3-4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। क्लियर? तो लगभग लगभग 80 क्वेश्चन आपके हो ही गए होंगे। अब चलिए दूसरे पोर्शन की बात कि सर ये तो हो गया एक घंटे का काम, एक एक घंटे जब तक आपकी वैकेंसी है तब तक ये चलता रहेगा। किसी को कोई एग्जाम देना है स्पीड से करना है तो रिकॉर्डेड कोर्स आपका दे रखा है, रिकॉर्डेड कोर्स आप करते रहिएगा। दूसरा रिकॉर्डेड के साथ रिविजन कोर्स भी आपको दे रखा है, सेम टू सेम पहले रिकॉर्डेड करना फिर रिवीजन को मत करना, ठीक है? रिवीजन के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड के साथ साथ आप इसको देख लेना, लेकिन टाइम बच रहा है तो रिवीजन को भी देख लेना। मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि चार महीने के अंदर ये पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट करा दो, एक एक घंटे के हिसाब से। क्लियर? याद रखना नोट्स बने हुए हैं, टेस्ट पेपर सब कुछ बने हुए हैं, टेस्ट सीरीज बनी हुई है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपकी तैयारी है तो टेस्ट पेपर दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? और प्लस लाइव आपका एक घंटा ये चलेगा, और कितने बजे? 12 से 1, ठीक है? अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 12 से 1, कल से 12 से 1 में क्या चलेगा आपका कंप्यूटर। अब थोड़े दिनों बाद आपका क्या चलेगा? मैं तो रीजनिंग, क्या गुरु जी ये कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। मैं तो रीजनिंग इस तरीके की मैंने कंप्लीट करा रखी है, अभी प्रोग्रामर में भी सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे, डेटा भी नहीं बदला था, ठीक है? तो मैं तो रीजनिंग में आपके क्या आता है, तो मैथ रीजनिंग आपके कंप्लीट आती है। कंप्यूटर टीचर हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आती है। क्लियर? कितने क्वेश्चन आए थे? तो 50 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में थे और 15 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के अंदर थे, ठीक है? तो लगभग 65 क्वेश्चन आपके ये है। और याद रखिए इनको अभी से तैयार करना है, स्टार्ट हो जाइए, इसके लिए आपको वेट नहीं करना, स्टार्ट हो जाइए, इसके लिए आपको वेट नहीं करना। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, जो मैथ रीजनिंग जितनी अच्छी करेगा कंप्यूटर टीचर में उसकी जॉब उतनी फास्ट लगेगी, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा आ रही है। टैक्स असिस्टेंट में भी 100 नंबर का मैथ रीजनिंग का पेपर है, इसलिए कसम खा लो आज से ही कि मैथ रीजनिंग रोज की मेरे को एक मतलब लगभग 4-4 वीडियो देखने हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में नहीं होंगे कवर, ये अभी होंगे कवर, इनको सीखना पड़ता है, इसलिए 4-4 वीडियो रोज के स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मैथ रीजनिंग से क्या होगा? मैथ रीजनिंग से आपका SSC के फॉर्म भर सकते हो, मैथ रीजनिंग से आपके सारे बैंक के फॉर्म भर सकते हो, मैथ रीजनिंग से आप टैक्स असिस्टेंट के फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? और क्या हो सकता है मैथ रीजनिंग से? आप NVS, KVS, TGT, PGT, NET, SET सब के अंदर मैथ रीजनिंग आती है, तो आप इसको छोड़ के मत जाइए। मैथ रीजनिंग का जो टाइम रखेंगे अपन वो 2 से 3 रखेंगे, 2 से 3, ठीक है? कब? तो एक बता दिया जाएगा आपको, बाकी कंप्यूटर कल से स्टार्ट हो रहा है, और मैथ रीजनिंग का जो ये है ये इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, 1 तारीख से नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मैथ रीजनिंग के लिए पहले स्लाइड बनानी पड़ती है, जो क्वेश्चन पहले करवा दिए उनसे अटके क्वेश्चन लेंगे, तो स्लाइड बना के मंडे से आपको स्टार्ट करवा देंगे। मंडे डाल लीजिए, फिक्स कर लीजिए मंडे से 2 से 3 PM, मतलब कौन सा मंडे? नेक्स्ट मंडे आपका मैथ रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब मैथ रीजनिंग में बच्चों क्या गुरुजी पूरी मैथ रीजनिंग करा रखी है? बिल्कुल एज इट इज करवा रखी है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्लियर? मैथ रीजनिंग पढ़ाने का इतना अच्छा तरीका है कि एक बार आप वीडियो को देखो, फिर वीडियो को देखने के बाद 4 के 4 वीडियो एक बार देख लो पूरा कंप्लीट तरीके से, फिर चारों वीडियो के जितने भी क्वेश्चन थे उनकी PDF डेली PDF के नाम से सेव है, उन डेली PDF को डाउनलोड कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन करके देखिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको मैथ और रीजनिंग आने लग गई। क्लियर? चलिए कल से किसकी क्लास है? देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने बोला वो पढ़ के आइएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ के आइएगा, 25 क्लास में पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल कवर कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सी लैंग्वेज लेंगे, 25 क्लास में सी लैंग्वेज भी कंप्लीट। ये पहले से ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप मेरे से भी पहले एडवांस में पढ़ते जाइएगा। बच्चा कब हारता है? जब बच्चा टीचर के साथ साथ चलता है तब वो हार जाता है। टीचर से एडवांस चलो, पहले से ही आपको डाल रखे हैं, सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, तो उससे पहले मेरे पढ़ाने से पहले आप पूरा पढ़ के आ जाइएगा ताकि आपका कंसेप्ट बने, और आप मेहनत करो, मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट पे आप नौकरी कर रहे होंगे, या हालत आपकी हो जाएगी। लेकिन बच्चों पढ़ के आना है, मेहनत करनी है, 4 महीने में मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, पूरा कंप्यूटर वापस,
पूरी मैथ रीजनिंग वापस, क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कहा यह जाता है मैथ रीजनिंग भी ढंग से हो गई तो कंप्यूटर टीचर तो बन ही जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का बोर्ड हो, किसी भी तरीके की वैकेंसी हो, कंप्यूटर टीचर आईए ले लो, किसी भी तरीके की टेक्निकल पोस्ट में मैथ रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्लियर। चलिए कब है डीएसएस एसबी का एग्जाम, ये तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन वैकेंसी आ चुकी है। कितनी वैकेंसी आ रही है तो 200 मतलब 300 के आसपास वैकेंसी आ रही है, ईएमआरएस की 240 पोस्ट वो जुड़ के आ रही है, और ऑपरेटिव बैंक के अंदर भी वैकेंसी आ रही है। लेकिन बच्चों जब तक इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हर 15 दिन में आईटी फील्ड की एक दो वैकेंसी जरूर आएगी, हर 15 दिन के अंदर एक दो वैकेंसी आएगी। पोस्ट कितनी होगी, किसी भी एग्जाम में 200-300 से कम पोस्ट नहीं होगी। आपको तो एक चाहिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। ज्यादा पोस्ट को सभी भरते हैं, कम पोस्ट को वही भरेगा जो अवेयर है, इसलिए आप भरते रहिएगा, तैयारी एक में चलती रहेगी और आप टूट पड़िए, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं, जितनी वैकेंसी है उन सबकी नॉलेज भी मैं आपको देता रहूंगा, डेली अपन 12 से 1 रोज मिलते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अब बच्चों तीसरे पॉइंट के ऊपर आप आ जाइए। तीसरा पॉइंट क्या है कि सर जीके में क्या होगा, तो जीके की क्लास भी आपकी अगले वीक तक स्टार्ट हो जाएगी। जीके बच्चों नॉर्मल जीके नहीं आता, आजकल नॉर्मल जीके नहीं आता, करंट के साथ जीके आता है, करंट के साथ जीके आता है, तो करंट के साथ जीके आता है, ठीक है गुरुजी। तो करंट के साथ जीके कितना क्वेश्चन आएगा, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, हर जगह आपको करंट के साथ जीके पढ़ना है, तो जीके अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जीके 3 टीचर से अलग अलग करवा रखा है मैंने, ठीक है, अनिल सर से, भावेश सर से और एक और सर थे, उन तीनों से अलग अलग करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कितने घंटे जीके पढ़े, लगभग 2 घंटे पर डे जीके पढ़िए, 2 घंटे पर डे जीके पढ़िए। जीके में क्या आता है, तो जीके में बच्चों अगर मान लो आपको लगे कि सर करंट जीके प्लस जीके को मिक्स करके आएगा, ठीक है, तो एक दो वेबसाइट भी है जिनको आप यूज कर सकते हो, क्लियर। क्रेजी जीके ट्रिक्स एक वेबसाइट है, जो क्रेजी जीके ट्रिक्स इसको रोज आप पढ़ना स्टार्ट करो, रोज एक मतलब 2-3-4 वीडियो जरूर देखिए इसके, 2-3-4 वीडियो देखने से क्या होगा, आपका दिमाग सेट होना स्टार्ट होगा। जीके कोई एक दिन में नहीं बनेगी, क्लियर। बच्चे क्या करते हैं, टेक्निकली टेक्निकल पढ़ते हैं, क्या टेक्निकल से जॉब लग सकती है, नहीं। क्या मैथ रीजनिंग को छोड़ के जॉब लग सकती है, नहीं। क्या जीके को छोड़ के जॉब लग सकती है, नहीं, कभी नहीं लग सकती। तो गुरु जी हम पढ़े कैसे, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, शानदार वेबसाइट बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाना क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम से, आपको क्या करना है एक एक वीडियो को उठाना है और सबसे पहले उसके क्वेश्चन आए, थ्योरी आएगी, उसके बाद उसके एमसीक्यू आएंगे। हम भी कवाले अधिकतर बच्चे इसको देखते हैं, आप भी देखना स्टार्ट कीजिए। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जैसे इंडिया उठा लिया, इंडिया को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, राजस्थान का तो होगा नहीं इसमें, लेकिन करंट जीके उठा लिया, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, तो आपको इंडिया राजस्थान सब कुछ तैयार हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, क्लियर। राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर सर ने पढ़ाई रखा है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ज्योग्राफी आपको 2 बार पढ़ा दी है, पुराने के हिसाब से, नए के हिसाब से, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ा दिया, इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 50 क्वेश्चन है, क्या कोई फिक्स है, क्या इसका क्राइटेरिया, कोई फिक्स नहीं है। जीके हमको क्या पढ़ना है, हमको अधिकतर करंट पढ़ना है, करंट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन, और जो जीके आता है वो भी करंट से रिलेटेड ही आता है। और जीके की क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो मंडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसका टाइमिंग क्या रहेगा, इसका टाइमिंग वही रहेगा शाम को चार से पांच का, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, मंडे को 4 से 5 आपकी जीके स्टार्ट हो जाएगी, या थोड़ा सा टाइम और लग सकता है जीके में, ठीक है, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए जीके हो भी सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी 2 से 3, टाइम टेबल लिख लीजिए। और कंप्यूटर टीचर स्टार्ट हो रहा है 12 से, ठीक है, तो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो हो रहा है 12 से 1, कंप्यूटर का कोर्स 12 से 1 है। कंप्यूटर कब चलेगा सर, तो कंप्यूटर चलेगा 12 से 1। अच्छा मैथ रीजनिंग कब चलेगी, तो मैथ रीजनिंग का टाइम है 2 से 3, और कंप्यूटर का जीके का टाइम क्या है, तो जीके का टाइम है 4 से 5, ठीक है। ये कब से स्टार्ट होगी, ये कल से स्टार्ट होगी बच्चों,
और ये कब से स्टार्ट होगी मैथ रीजनिंग, ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, जो भी मंडे आ रहा है वहां से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्लाइड बनानी है, पुराने क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दो बार करवा रखे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और जीके, जीके में थोड़ा टाइम लग सकता है, सर से बात करनी पड़ेगी कब से वो स्टार्ट करेंगे, बाकी जीके अभी खत्म कराइए, लेटेस्ट खत्म कराइए, क्लियर। चलिए अब आपके कोई डाउट है तो मेरे से पूछिएगा। अब बच्चा एसीपी, तो एसीपी की जो पोस्ट है उसके लिए टाइमिंग क्या रखनी है वो मैं आपको, एसीपी की क्लास चलेगी आज शाम को 6 बजे, उस समय मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से तो आप पूछ सकते हो। आपको क्या करना है, इंडिया जीके के लिए क्रेजी जीके ट्रिक्स उसको उठाना है, उसको पढ़ना स्टार्ट करना। राजस्थान के लिए मानचित्रावली ढूंढ लीजिए कोई भी, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। क्या गुरुजी एक महीने में जीके तैयार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। 2 महीने में हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कौन सी बुक लेके आनी है? ऐसी बुक लेके आओ जिसमें ऊपर थ्योरी हो नीचे एमसीक्यू, ऊपर थ्योरी होनी चाहिए नीचे एमसीक्यू होने चाहिए, ऊपर थ्योरी होनी चाहिए नीचे एमसीक्यू होने चाहिए। प्योर एमसीक्यू से भी कोई फायदा नहीं है और प्योर थ्योरी से भी कोई फायदा नहीं है। ऊपर थ्योरी होनी चाहिए नीचे एमसीक्यू होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बुक मार्केट में आ रही है, कोई भी उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। अंबिका क्लासेस के जो टीचर हैं उनको फॉलो कर सकते हो और पूरा सिस्टमेटिक आपको समझा रखा है। आप एक बार देखिए, थ्री डी एनिमेशन के अंदर भी आपके जीके आ चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, 3D एनिमेशन के अंदर जीके देखिए, तो पूरा का पूरा व्यूज के अंदर आपका जीके आपको मिल जाएगा। तो इनका फायदा उठाओ बच्चों, ये आपके लिए ही तो है, पूरा यूट्यूब आपके लिए है, इनका फायदा उठाइए। मैथ रीजनिंग मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे से अच्छा मैथ रीजनिंग आपको पढ़ा ही नहीं सकता। एक बार आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, आपका दिमाग सेट हो जाएगा। कंप्यूटर कोई टीचर है ही नहीं बच्चों, यूट्यूब की हिस्ट्री में इतना अच्छा कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो ध्यान रखिए, मेहनत करना आपको स्टार्ट करना, मेहनत अगर आपने स्टार्ट कर दी तो गारंटी है 6 महीने में आपकी जॉब लग जाएगी। तो गुरु जी बिना वैकेंसी आए जॉब लग जाएगी? नहीं, बहुत सारी वैकेंसी आती है, आईए प्रोग्रामर बच्चों, कंप्यूटर टीचर, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग स्टेट बच्चों, क्लियर, बहुत सारी वैकेंसी आती है, सारे फॉर्म अपन को भरना है। अब आपके कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। करंट में यूट्यूब बेस्ट है, करंट में यूट्यूब बेस्ट है, लेकिन यूट्यूब में भी क्रेजी जीके ट्रिक्स अंबिका वाले फॉलो करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। और एनिमेशन वाले वीडियो आप जरूर देखिएगा जीके के, जिसकी जीके कमजोर है, तो राजस्थान का पूरा जीके एनिमेशन के रूप में आ चुका है, एनिमेटेड वीडियो डालिए, राजस्थान जीके आपको मिल जाएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक बार एक इशारा मिल जाए तो उसके बाद तो किताब ही काम की है। याद रखना, मेरे सब्जेक्ट में किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन वो आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, किताब से कुछ भी नहीं आता, किताब से कुछ भी नहीं आता, ये आपने नोट कर लिया होगा। सारे क्वेश्चन वो है जो इस बोर्ड के ऊपर आते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और कुछ पूछना हो तो बताइए। पूरे के पूरे नोट्स बने हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, पीडीएफ बनी हुई है, टेस्ट सीरीज पूरी बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, कहीं से कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत। सब कुछ जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, वैसे हर वीडियो के बाद 5 मिनट के लिए मैं गाइड करूंगा। आज का गाइडेंस इतना है कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल देख के आइएगा, रिविजन देखना है, रिकॉर्डेड देखना है तो रिकॉर्डेड के अंदर जाना है, उसके उस रिकॉर्डेड के अंदर भी 2 पार्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल का भी, कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर फंडामेंटल रिविजन। रिविजन वाले को नहीं देख के कंप्यूटर फंडामेंटल को देखना। बीसीए के लिए और कोई वैकेंसी आई है क्या? देखिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, मैंने आपको कहा कि 5 दिन रुकिए आप, कम से कम 10 तरीके की वैकेंसी आपके पास आ जाएगी। अभी दिवाली का सीजन था, सब कुछ ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं, कई जगह बाई पोल इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो इनको खत्म होने दीजिएगा। दिल्ली के अंदर वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा में आने वाली है, यूपी के अंदर आने वाली है, राजस्थान के संस्कृत डिपार्टमेंट में आने वाली है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आने वाली है, जेडीए के अंदर आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही है, और सहकारी बैंकों में आने वाली है। तो ये सब की तैयारी एक ही होती है, दो का पाड़ा कहीं पर भी पढ़ो, सबकी तैयारी एक ही होती है। सर टाइपिंग जरूरी होती है क्या? देखिए टाइपिंग कहाँ जरूरी है बता देता हूं, अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो तो टाइपिंग जरूरी है, टैक्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो टाइपिंग जरूरी है, लेकिन अगर आप टीचिंग के फील्ड में जा रहे हो तो वहां टाइपिंग जरूरी नहीं है, बड़ी पोस्ट पे जा रहे हो तो वहां टाइपिंग जरूरी नहीं है, असिस्टेंट की पोस्ट पे जा रहे हो तो वहां टाइपिंग जरूरी है, क्लियर। सर रिट मैथ हो जाएगी क्या कंप्यूटर टीचर कोर्स से? बिल्कुल हो जाएगी, रिट मैथ पूरी की पूरी जो मैथ है
वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, उसके लिए अलग से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत कम फीस में आपको कोर्स दिया गया है और कोर्स इस तरीके का है, सब कुछ उसके अंदर है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। जो मैंने पैटर्न बताया इस हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट करो। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर सी लैंग्वेज, फिर डीबीएमएस, फिर नेटवर्किंग, फिर सेट, फिर डेटा स्ट्रक्चर, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएस। ओएस कुछ बोर्ड में बहुत जबरदस्त तरीके से आता है, तो ओएस को हल्के लेवल पे मत लेना, क्योंकि ओएस अगर चाहे तो पूरा पेपर ही ओएस से बन सकता है, इतना अच्छा होता है ओएस। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल, डिजिटल को अच्छे लेवल पे पढ़ना है, बाकी जावा का एक क्वेश्चन, पाइथन का एक क्वेश्चन वो आ सकता है, ये अपन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में पढ़ेंगे। एचटीएमएल मैंने पहले बहुत डीप में पढ़ा रखा है, इस बार और अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इनसे बार आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। आपका कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, कल अपनी क्लास चलेगी। क्या पढ़ के आना आपको? फंडामेंटल पूरा पढ़ के आना, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 30 वीडियो है देखना स्टार्ट कर दीजिए। ये 30 वीडियो कोशिश करूंगा मैं 20 से 25 दिन में निपटाने की। ठीक है, और जो क्वेश्चन पहले करवा दिए वो क्वेश्चन अब नहीं करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे, नए क्वेश्चन लाएंगे। क्लियर? और कोई डाउट है तो बताइए। जो पहले क्वेश्चन हो गए उनसे अगले क्वेश्चन यानी अच्छे क्वेश्चन अब अपन को लाने। ठीक है, पुराने क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे क्योंकि वीडियो देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, अब नए क्वेश्चन अपन को लाना है। तो मटेरियल बन चुका है लगभग लगभग, कंप्यूटर का, मैथ और रीजनिंग का बनाना बाकी है, तो एक वीक के बाद मैथ रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जीके बता दिया जाएगा आपको, अभी 2 घंटे की क्लास स्टार्ट होगी। और कुछ पूछना हो तो बताइए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। कोई भी कोर्स जबरदस्ती मत खरीदिए, एक कोर्स में सारा काम हो जाता है, बार बार आपको नए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास रखिए। आप याद रखिए, कोई कह रहा है मैं टैक्स असिस्टेंट भी खरीद लूं, क्या नहीं खरीदना, इसी में सब कुछ है, इसी कोर्स में सब कुछ है। देखो आप गौर से, देखो आप गौर से, कंप्यूटर टीचर का पूरा कोर्स लाइव के अंदर बन रहा है, वो आपके काम का है, और बाकी रिकॉर्डेड आप देख के आइएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो कल अपन 12 से 1 पढ़ेंगे कंप्यूटर टीचर का कोर्स, और थोड़े दिनों मंडे के अंदर, मंडे से अपन 2 से 3 पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और थोड़े दिनों बाद जीके भी स्टार्ट आपका हो जाएगा। धन्यवाद। एसीपी के जिन्होंने भी कोर्स लिए हैं 6 बजे मैं उनको समझाऊंगा एसीपी की तैयारी कैसे करें। क्लियर? चलिए, धन्यवाद बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप मेरे से। ऑल क्लियर सबको? ठीक है, धन्यवाद।